हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो सभी? सही बढ़िया हो? ठीक है। तो आज की वीडियो में हम टॉपिक करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम टॉपिक करेंगे रिलेशन निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के बीच में क्या है। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम मैंने आपको क्या बताया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और पोटेंशियल दोनों के बीच में रिलेशन निकालना हमें। यह पास एक प्लेट है जिसका पोटेंशियल मैंने नाम दे दिया V। एक प्लेट ये है जिसको नाम दे दिया मैंने, जिसका पोटेंशियल मैंने मान लिया V माइनस का dV। दिस इज प्लेट A, दिस इज प्लेट B। ठीक है, एक बात बताओ, हम लोगों ने क्या पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब V से V माइनस dV की तरफ होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक हो गया। और इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है प्लेट्स के बीच में, dr है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैं लोअर प्लेट जो पोटेंशियल थी V, उससे हायर प्लेट पोटेंशियल तक मैं यूनिट चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे इस प्लेट से इस प्लेट तक लाने के लिए। उसका फॉर्मूला किसके बराबर होगा बताओ, वर्क डन इज इक्वल टू किसके होता होगा, एफ डॉट बी आर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट को टाइम क्या लगेगा कोस थीटा, लेकिन यूनिट चार्ज को लेके आने का ध्यान रहे। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर इंटू कोस ऑफ 180 डिग्री। अब कोस अगर टर्म में लिख देंगे तो वेक्टर साइन रिमूव हो जाएगा, कोस ऑफ 180 डिग्री, कोस 180 कितना होता है -1 इज इक्वल टू वर्क डन, जबकि फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई डी आर कोस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू वर्क डन, जबकि कोस 180 कितना होता है -1, तो बराबर आ जाएगा माइनस का ई डी आर इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है हमारे पास में, हम वर्क कर रहे थे एक्चुअली में बी प्लेट से ए प्लेट तक लेके आने के लिए। दिस इज इक्वल टू बाई मूविंग चार्ज फ्रॉम यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। ठीक हो गया। और एक बात बताओ, इसको हम किस वे में लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल की टर्म में। डब्ल्यू ऑफ बी ए और क्यू का मीनिंग क्या है, वी ए माइनस ऑफ वी बी। इसका मतलब ए प्लेट का पोटेंशियल माइनस बी प्लेट का पोटेंशियल। ए प्लेट का पोटेंशियल कितना कंसिडर किया था हमने, वी कंसिडर किया था। बी प्लेट का कितना कंसिडर किया था, वी माइनस का डी वी। तो माइनस का वी प्लस का डी वी इज इक्वल टू माइनस का ई डी आर। ठीक हो गया, वी से भी कैंसिल और डी वी हमारे पास किसके बराबर आया, माइनस ई डी आर। और यहां से ई बराबर आ जाएगा माइनस का डी वी अपॉन डी आर। दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपेसिटेंस वाले पार्ट में काफी जगह जो है इसका यूज होगा, तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझे। अगर नहीं आता है तो उसको रिवर्स करके आप वीडियो को प्लेबैक कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।